गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो भाई आफ्टर लॉन्ग टाइम, ये मान लो अप्रोक्स 17-18 दिन बाद व्लॉग कर रहा हूँ। एक व्लॉग डाला था, व्लॉग भी कह लो, वीडियो कह लो, वो था जो भी था। अभी 9 बज चुके हैं और अब जा रहे हैं अपा यूनिवर्सिटी। बस मेरी बस यार आगे कुनाल, तो एक बार देखते हैं कैसा क्या रहेगा आज का दिन और बताते हैं और दिखाते हैं आपको। मिलते हैं सीधा यूनिवर्सिटी। पैंतालीस मिनट के बाद पहुंचे अप्रोच तक। चले पीछे इतना जाम भाई, अच्छे ज़्यादा, इसलिए एक नंबर गेट पर उधर पैदल चल चल के अभी आए हैं 3 नंबर गेट पे। देखते एक दोस्त का फोन आया था कि वो आ रहा है, वो आएगा तो ठीक है, वरना भैया पता डेली वाला काम, बस में जाएंगे, देखते हैं दस में रहेगा, दिखाएंगे। साथ ही जा रहे, टाइम होगा, पूरे 9 बज गए हैं और वेब का कुछ है माहौल। ये अपना कुनाल दोस्त, माहौल तो भाई वही है, सेम है, बस भीड़ कम होने लगी। सेमेस्टर एंड होने पाया तो बच्चे बहुत कम क्लास लेते हैं, मतलब अटेंड करते हैं, और जैसा भी है देख सकते हो भाई। चलते हैं एक बार, आज हम भी छोड़ दिए थे, हमने भी आना छोड़ दिया था, पर बाकी ना आज टेस्ट था, मैम का मैसेज आया कि आज लास्ट डे है, मतलब टेस्ट देना जिसको दे सकते हो, इसलिए हम भी आगे, वरना हमारा भी कोई चांस नहीं था आने का। भाई इतनी तेज़ धूप हो रखी है, वैसे जैकेट डाला, इतनी गर्मी लग रही है फिलहाल में बहुत ज़्यादा। भाई साहब क्या ही धूप है, देख सकते हो। मैडम पहुँच गए 9:15 पे और 10:15 पे ना पूरी बन गई हमारे साथ। क्या हुआ, हम ना टेस्ट देने आए थे, जिन्होंने मैम का मैसेज आया था जिनका टेस्ट मिस हो रखा है ना, वो मतलब आ जाना, उनका टेस्ट ले लेंगे, क्योंकि इंटरनल वगैरह की लगने ना मार्क्स। अब यहाँ आके पता चला 1.5-2 घंटा वेट करके, कि वो सेशनल की बात थी, सेशनल हमने दे रखा है सब ने, और भाई हम बिना बात पे सुबह सुबह उठ के ना धो के और ड्रेस पॉलिस की ड्रेस पहन के आए हैं बिना बात पे, मतलब गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि मैम ने पहले कहा कि टेस्ट है, और अब मैम ने वापस मैसेज करा कि सेशनल इसी टाइम है। फिर हमने सोचा सेशनल क्यों बोल दे, टेस्ट होना चाहिए था। फिर पता करा और भाई वो सेशन मिला, और सेशन तो हमने दे रखा है, तो क्या ही बताइए। अब पीछे देख सकते हो पार्किंग में खड़ा हूँ, वेट कर रहा था, अभी दोस्त आया है एक, उसको भी बताऊँगा ये खुशखबरी, और फिर देखते उसका रिएक्शन। वो टेस्ट था ना, टेस्ट नहीं था, वो सेशनल था जिसकी बात चल रही थी। भाई बहुत बुरा हुआ यार, ये मान लो सुबह 7 बजे उठना, 6:30 बजे उठ के ना धो के और रेडी वगैरह हो के यहाँ आए हैं, और फिर ये सीन रहा है यहाँ पे ना। खाने पीने चल रहे हैं, एक्टिवा छोड़ दी और कार में आ गए हैं, तो बाकी देखते कुछ ऐसा है, क्लियर में बताऊंगा बाकी, एक बार देखते हैं आज उसका एक मस्त वाला ओपिनियन देंगे, मतलब चुमेश्वर वाला वो देंगे, क्या है क्या नहीं है, मतलब वर्थ है नहीं है, सब कुछ बताएंगे आपको। और चलते हैं, चल रहे भाई, चाली जा, बाकी 2.5 किलोमीटर अपनी यूनिवर्सिटी, जो काम आए थे वो मैंने आपको बताई थी, भाई पोपट हो गया था, चल ठीक है जैसा भी, अब चलते हैं, कहीं ना कहीं तो जाना था टाइम पास के लिए, चलते फिर। अब पहुंचे हैं और ये अपनी, इसका नाम है दा नहीं है, कैस्टल ग्रे नाम है सिर्फ, और मैं दिखा, ये है भाई। तो भी अंदर जाते हैं ऑर्डर वगैरह करके, एक बार तो इंटीरियर दिखाएंगे आपको एंटर होते ही कैसा क्या है, और फिर उसके बाद टेस्ट बताएंगे, टेस्ट जेन्युइन चीज़ बताएंगे, अगर अच्छा है तो अच्छा बताएंगे, वरना भाई ना तो मैं तो मुँह पे मना कर देता हूँ, आगे कोई खड़ा नहीं, अच्छा तो नहीं होता है, बाकी अच्छा होता तो बताया था। और हाँ सेक्टर 2 है ना, यो सेक्टर 2 है शायद, ना 2 ही है, हाँ मतलब जो यही, हाँ बिल्कुल इनॉक्स, इनॉक्स जो थिएटर बैक साइड में, तो चलते एक बार। एक तो यहाँ था और इंटीरियर तो बहुत मतलब क्लासी सा है, मतलब वो नहीं है फंकी संकी नहीं है, बिल्कुल भी क्लासी सा है, स्टेयर्स दे सकते हो नीचे ना, मतलब ऐसा कुछ रॉयल वाली फील थी कि बिल्कुल जो नहीं होती क्लासिक, मतलब बैठ के बस डिनर लंच वाली, मतलब हम तो है भाई हंसी मजाक करने वाले बंदे, तो हाँ भाई
अपने मतलब का ये, तो वही ये है वो, तो देख सकते हो। तो भाई देखते हैं, बैठते हैं, करते ऑर्डर, फिर देखते टेस्ट कैसे। बैठ गए यहाँ पे विशाल, भव्य, कुणाल, लोकेश, रोहित भाई, ये वो देख लो, ये है मेन्यू। और यहाँ बैठे थे, देख रहे ऑर्डर कर रहे कुछ, ऑर्डर कर चुके हैं कुछ, ये मंगाया दो मंचूरियन ग्रेवी और हक्का नूडल्स और चिली पटेटो और दो तीन कोल्ड ड्रिंक, मतलब बोतल तो मिलती नहीं है तो ग्लास और तो कुछ नहीं है, बाकी इंटीरियर तो अच्छा बना रखा है। तो और जैसे भी रहेगा दिखाएंगे आप, ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। आज कुणाल और भव्य से रिव्यू करवाएंगे, पिछली बार शिवम से कराया था तो भाई वो तो उसने तो क्या फाड़ू दिया था रिव्यू, बस मज़ा आ गया था। अगली बार देखते हैं कौन देगा इनमें से रिव्यू, और उसका रिव्यू सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले लगा देंगे। और जैसा भी है तो ये कॉफ़ी का, ये कॉफ़ी बीन्स है इसमें, मस्त है भाई, मस्त है। करते वेट, टेस्ट बहुत अच्छी, इन्होंने अभी ना देखे गई है कि सबके आगे एक प्लेट लगा के गए हैं, और करते वेट अभी तक तो मस्त है। बाकी तो भाई वही मैंने कहा था ना कि 80-90% तो खाने के टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, कैफे चलेगा नहीं चलेगा, 10% होता है उनकी सर्विस पे या फिर इंटीरियर पे, जैसा भी है। अभी ना देखते हैं खाना कब आएगा और कैसे टेस्ट कैसा रहेगा, तो आपको शेयर करेंगे। और देख सकते हो भाई, वापस दिखा देता हूँ आपको, लोकेशन तो मस्त है और भाई बिल्कुल कोई नहीं, मतलब बहुत अकेला सा, मतलब ऐसा है कि भाई टाइम स्पेंड करने के लिए दोस्तों के साथ, और ये भाई ना बिल्कुल धक्का पीछे खड़ा है, मतलब बैठा नहीं एक बार भी, वरना क्या होता है कैफे वाले हाव नहीं देते गाड़ी पर, जिसको कुछ चला होता ना वो हाव नहीं देता। देखो ये तो बात साफ है, अरे ऐसे कैफे रात को चलने वाले हैं, कैफे कह लो रेस्टोरेंट कह लो, क्योंकि इसमें मेन कोर्स भी है, सब कुछ है इसमें। अभी कुछ वेट कर रहे हैं खाने का, कब आएगा खाना, और फिर एक तो बज चुका है, हमें फिर जाना भी है। ये मान लो कल थ्रू की बहन की शादी है तो वहाँ पे भी देखते हैं। ये मंचूरियन मंगाए दो प्लेट, और भाई क्या बवाल लग रहे हैं, मतलब जिस तरह सर्व करिए वो तो, मतलब चलो भाई ये वेट में कैमरा बंद करो, कभी डाल ले रखा है ठीक है, और कुछ आता है तो वो भी दिखाते भी। हाँ भाई क्या सवाल है, अभी तो अभी तक तो सब सही चल रहा है। भव्य भव्य टेस्ट कैसा है, सही है भाई? अभी तक तो सही, मैंने ट्राई नहीं करा, मैं अपना भी उतारता हूँ कैसा क्या है। ये चिली पटेटो, और भाई अभी तक तो खाना मस्त चल रहा है, ये भाई खा नहीं रहा। और भाई अभी दो बर्गर और एक क्या बोलते हैं उसको सैंडविच और बनाया, तो उसको भी देखते क्या है, ग्रिल सैंडविच टेस्ट है। और बताइए अभी तक तो लोग सही है बिल्कुल, इतना कुछ खा ली, कुछ इतना कुछ खाली कर चुके हैं, और अभी ना तीन चीज और आने बाकी है, तो बिल और पेट फाड़ के जाएंगे, और देखते हैं बिल भी बताएंगे आपको कितना क्या एस्टिमेट बताएंगे, मतलब वैसे बताना तो नहीं चाहिए, पर अगर 6-7 दोस्त आए और आइडिया दे देंगे आपको कि ऐसा वो तो होता है। चलते फिर एक बार खा के और देखते जैसे भी है, देख सकते हो भाई कितना कुछ खाली करके बैठ वेट कर रहे हैं, आया नहीं अभी तक, आते ही दिखाएंगे आपको कैसे उसकी क्या बोलते हैं उसको सकल, ये क्या बोलते हैं उसको, उसकी लुक। टाइम लग रहा था तो मैं आ गया ऊपर, मतलब साइड में, और भाई ये कुछ स्टेयर्स हैं और ये बिल्कुल रोड पे हैं, सामने जैगुआर का वो शोरूम। और भाई कर रहे वेट, कब आया खाना, और ये भाई कल बनवाया, मतलब बनाया खुद ही कराया है।
नहीं इन्होंने नहीं अलग से ग्रिल लगा रखे है भाई, ये बहुत मतलब अच्छी लग रही है वैसे, मतलब मेरे अकॉर्डिंग सही लग रही है, मतलब कम खर्चे में, और भाई क्या बवाल लग रही है। और ये स्टेयर्स का तो मैं फैन हो गया। सैंडविच और उसके साथ थोड़ी सी फ्राइज देते हुए उन्होंने, और ये हम सब में बटेंगे। डेढ़ के टाइम कितना हो गया, 1:32, 5 घंटे से ऊपर। यहाँ से कितना मस्त आ रहा भाई व्यू, और खाना कैसा था? ना खाना कैसा था? पीस करवा ले क्योंकि खाना खा ले इतना ज़्यादा, पर ना टेस्ट करना था इसलिए ऐसे पीस करवा ले हमने, और टेस्ट देखते कैसा है। और इसमें टोकरी से में थे अपने फ्राइज, एक और में सर्वे था, फीडबैक फॉर्म, और उसके बाद भाई ले भाई ने कुछ ये मानो ये फीडबैक फीडबैक भर दो, बाकी मैंने भर दिया। गुड, एवरीथिंग वाज गुड, एवरीथिंग वाज गुड, अच्छा था भाई बहुत। और बट भाई मेरे अकॉर्डिंग बिल और जो हमने खाया बहुत सही आया है, और मतलब बंदों ने पैसा लगा रखा है, मैं अच्छे से खुश होकर बोल सकता हूँ दोनों चीज़ में। टेस्ट ऑसम भाई, इतना कुछ खाया है मुझे पता भाई, बहुत अच्छा टेस्ट है, और इंटीरियर भी बहुत मतलब मेरी तरफ से रिकमेंडेड है फुल, आप आ सकते हो भाई। और बिल भी मतलब देखो एवरेज तो नहीं, मतलब सही है, बहुत मस्त और सही था ना, मस्त। इसका नाम है, एक सेकंड, नाम तो था इसका, नाम क्या, इस कैफे का नाम क्या था? कैस्टल ग्रे, कैसल ग्रे, कैसल ग्रे या कैस्टल ग्रे जो भी आप बोल सकते हो, मस्त था मतलब। कोई खाना पीना सब डन, और भी मस्त आ मज़े आ गया तो, और बिलिंग भी सही है, खाना भी मस्त था। और अभी वो कार निकाल रहे हैं, चलते फिर, मेरे अकॉर्डिंग तो मस्त था, रिकमेंड है मेरी तरफ से फुल, आ सकते हो आप। एक बार ना बाहर से दिखा देता हूँ कैसा है। और भाई ली अपने ये थी आज सवारी, ये है भाई कैस्टल ग्रे, बहुत मस्त है भाई, मतलब सही है। और सो बना तब के मुंह में ऐसे एक साइड में रखे हुए, जैसे पान गुटका खाते ना उससे उससे। चलते हैं, हवा इतनी तेज, माइक में आ रही होगी नॉइज बहुत भयंकर। तो भाई घर अभी यूनिवर्सिटी चल रहे हैं, वही घर चल रहे अब। ओ चदा वडनी मैं जदों पीछे हटया बशक छड़ दी, ओ मोड़ दू तेरी तोड़दा। घर जाके देखते हैं क्या कुछ रहेगा, एक बार बस स्टैंड चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको। नॉर्मल अब चल रहे हैं अपने घर, बस स्टैंड आ गए हैं रोहतक वाले, और अब कर रहे हैं वेट बस का, अभी आया है उसको, देखो कैसे ठमक ठमक के आ रहा है बिल्कुल। अभी कर रहे हैं वेट, देखते हैं कब मिलेगी बस, और भाई चलते फिर अपने घर गोहाना। इसका दिन मतलब मिक्स आ रहा, अच्छा मिक्स क्या, अच्छा ही था मतलब पूरा दिन। और भाई फिर वो कैफे या रेस्टोरेंट बोलो उसमें गए तो उसके बाद तो और अच्छा हो गया, मस्त मतलब सही था सब कुछ। वही है ना, मैं मुँह पर बोलता हूँ भाई, अच्छा हो तो अच्छा है ना तो बुरा है। कर रहे वेट बस का, मैं रुका 2:40, और अभी देखते हैं कब मिलेगी बस, आपको बताएंगे। 2:40 पे आके खड़े हुए हैं, और कितने टाइम में मिलती है बस, मिलने को तो भाई 1 मिनट में मिल जाते हैं, कभी कभी आध घंटा भी लगा देती है भाई। बाकी आज की किस्मत देखते, सुबह से तो अच्छी चली हुई है, अभी देखते हैं कैसी रहेगी। टाइम हो गया 3:30, और अब गोहाना बस स्टैंड पहुँच गया, कोई बताना भूल गया कब बस मिली कब नहीं, कुछ लिए थी 5-6 मिनट खड़े हुए थे तभी बस मिली गई। थोड़ा अपना एक बार बाइक उठाते और चलते, एक बार पेट्रोल भरवा के, देख सकते हो बस का मतलब ऐसे झुकी हुई है। और भाई इस टाइम पे भी इतना लोड है बिल्कुल, इससे बस से चला नहीं जा रहा, इतनी भीड़ है इतनी ज़्यादा, देख सकते हो आप पीछे, मतलब ऐसे बहुत बुरे वाली, मतलब इतना जोर लग रहा है बस को, मतलब ऐसी आवाज़ आ रही
मतलब उठ नहीं रही है पहले गियर में भी। तो भाई चल रहे हैं, जैसा भी कुणाल के घर पर बाइक उठाते हैं, फिर देखते हैं कैसा क्या रहेगा पूरा दिन आज का। थैंक यू सो मच गाइस ब्लॉग के यहाँ तक देखने के लिए। भाई ज़्यादा से ज़्यादा यार सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितने अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि हम ना मतलब यार अब ऐसा हो रखा है कि भाई व्यूज़ नहीं आ रहे, लाइक नहीं आ रहे, तो ना मन करता है कि रहने दे, पर यार रुकना नहीं है, अभी थोड़ा सा अच्छे से ट्राई करना है। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। बाय बाय।